जेकरा ला हम थोड़ा बदनाम ही है। तेजस्वी बाबू हम समझाई कि तू अगर कर बाबू अगर चाहिया हो सको हम हूँ भीतर भीतर जाकर के हम हूँ बात हम चाहे जेकरा ला हम थोड़ा बदनाम ही है। मुख्यमंत्री जी के काल देते है कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए। नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो गया जेकरा ला हम थोड़ा बदनाम ही है। तू काम यहाँ छूट जा तो 10 गुना हमारा बिहार बोध गया आगे बढ़ जा। हम ही कह चाहिए विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाई तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारे की क्षति होते ये हम कह चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगह बोध गया है ये कह करके पेट भर ले तो घर से काम न चला तो इस वजह से हम कही ये सब काम करे नहीं। और दूसर चीज जेकरा ला हम थोड़ा बदनाम ही है हम वो कह चाहिए हर पर्यटक स्थल में अभी कहलतू ना कहलती डर से सरोजीत जी ये लोग आवे है अब थोड़ा देर ही आ रहे हैं अब चल रहा है काहे चल रहा है रहे के उकरा जगह उकरा खाने पीने का प्रबंध हमारी न करिए तो हमू परोक्ष में कहिए विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाई तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारे की क्षति होते ये हम कह चाहिए। वजह से तेजस्वी बाबू हम समझाई कि तू अगर कर बाबू अगर चाहिया हो सको हम हूँ भीतर भीतर जाकर के हम हूँ बात हम कहो माननीय मुख्यमंत्री जी के काल देते है कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वजायत कहल जाए और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो गया है। हमारा कहे का मतलब है कि अगर बिहार में और बोध गया के पर्यटन के आगे बढ़ावे ला है जैसे त्यागराज जी बोलन और अभय बाबू बोलन उ काम के चलते फीका है अगर उ काम यहाँ छूट जा तो 10 गुना हमारा बिहार बोध गया आगे बढ़ जा हमी कह चाहिए। और शांति तो यहाँ है ही है शांति नीतीश कुमार के राज में हम समझेंगे कि कोई प्रकार के दिक्कत न है और बोध गया के लोग भी शांति चाह रहा।